हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का आज 7 जुलाई को निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार ने आज 98 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। मुंबई में उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसी के चलते दिलीप कुमार ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार के निधन की खबर उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई थी। इसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों सहित फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिलीप कुमार इंडस्ट्री के उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सदियों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। दिलीप साहब के नाम और काम को लेकर फैंस में इतनी दीवानगी थी कि उनकी कोई भी फिल्म मिस नहीं करते थे। यहाँ तक कि देश की लड़कियाँ उनके प्यार में पागल थी। दिलीप कुमार के निधन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़े राजनेता और अभिनेता उन्हें शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार के 12 भाई बहन थे। वही सुपरस्टार राज कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही महीने में अपना बचपन बिताया था और आगे चलकर दोनों फिल्म सितारे और साथी बने। वही आपको बता दें, दिलीप कुमार एकमात्र ऐसे भारतीय एक्टर थे जिन्हें सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने 5 दशकों के करियर में कई अवार्ड जीते हैं। इनमें 8 फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर, 1 फिल्म फेयर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशा ए पाकिस्तान शामिल है। ऐसे में साफ है कि दिलीप कुमार साहब जैसे सितारे न कभी इंडस्ट्री में हुए हैं और न कभी होंगे। हम दिलीप जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।